मेरी फेवरेट भी मर गई यार। यार इसका मुझे बहुत दुख हो रहा है। कैसी हमारी कॉलोनी वीरान हो गई, देखें कैसे भरी हुई होती थी। लुका कहाँ गई भाई? लुका आपको मैंने देखा ही नहीं है, कहाँ गई? उस पर मैंने नजर ही नहीं रखी हुई थी वहां से। चल वापिस वापिस चल, भागता हुआ इसकी तरफ गया ना तो ये भागेगी, फिर ये भागेगी, तो अब इस तरह मैं नहीं करने दूंगा इसे। ये देखें ये फिर चलेगी ना यहाँ पर। ये तो भाई रैबिट्स खाओ आराम से यहाँ पर। हमने ना कल इसके अंडे उठाकर तोड़ दिए थे सारे, क्योंकि वो सारे खराब थे ना। जिससे ये अंडे ना उन पर ये बैठी हुई है। आप लोग पूछ रहे थे यार कितने अंडे ठीक हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें सिर्फ और सिर्फ ये 3 अंडे ठीक हैं। तो यार आप लोग दुआ करिएगा ये 3 बच्चे ना निकल आए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे सभी बर्ड्स ना यहाँ पर खुले पड़े हैं। ये हैं कुछ, कबूतर ऊपर हैं कुछ, ये रहे, लेकिन हमारी ये रानी बंद है। इसको मैंने क्यों बंद किया है मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। कल आपको याद होगा कि ये यहाँ से ना वहाँ चले गई थी ऊपर वाली छत पर, लेकिन अब इसने तमाशे ही पकड़ लिया है। ये हर वक्त जब इसे खोले ना सीधा यहाँ से उड़ती है और वहाँ चली जाती है, और अगर वहाँ से ये नीचे चलेगी तो इसको वापस आने का रास्ता नहीं मिलेगा और ये आ भी नहीं सकेगी, क्योंकि वो छत नीचे है और इसको वो पकड़ लेंगे। फिर पता नहीं अब इसका क्या करेंगे, बारबेक्यू बनाएंगे या इसको बेच देंगे। जाहिर बात है यार कोई किसी को कहाँ वापस करता है। तो अब मैं इसे खोलता हूँ यहाँ से और इसको डाइट डालकर मैं फिर बंद ही कर दूंगा। इसको इज्जत रास ही नहीं है यार। वो देखिए अब सीधा वहाँ गई है, अब खाएगी फिर वहाँ चढ़ेगी ऊपर चली जाएगी फिर। और यार वही हुआ जिसका डर था। मैं भी क्या देख रहा हूँ कि हमारे 2 बजेज ना मरे पड़े हुए हैं और बाकी भी सुस्त हैं यार अंदर से काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने अभी क्या सोचा कि हम ना एक काम करते हैं, इस पिंजरे में सबको निकाल लेते हैं। हम इस कॉलोनी में अभी बजेज को नहीं रखेंगे, इनको मैं निकाल कर ना धूप में रखता हूँ। पूरा दिन इनको धूप लगवाते हैं, वैसे अंदर भी धूप आती है, तो इनको अब हम ना कॉलोनी में बंद नहीं करेंगे, इनको पिंजरे में रहने देंगे और पिंजरे को अच्छे से ना रात को ढांप दिया करेंगे, उसमें फिर शायद इनको ठंड ना लगे, क्योंकि कॉलोनी बड़ी है ना तो इसमें इनको ठंड लगती है। तो अभी मैं अंदर जाता हूँ, देखते हैं यार कौन कौन सा बजी जो है ना वो बीमार है ज़्यादा। हटो यार जरा अंदर आने दो मुझे। ये देखें वो मेरी फेवरेट भी मर गई यार, ये मेरी फेवरेट फीमेल थी ये भी मर गई, और वो तो काफ़ी ज़्यादा ही बीमार था कल। इनको मैं निकाल लेता हूँ। अहमद स्कूल गया और पता नहीं उसने देखा है कि नहीं देखा इन्हें। ये देखें ये तो कल ही मर गया था मेरे ख्याल से रात को। इसको मैं रखता हूँ यहाँ पर। यार इसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। कहाँ फंस गई हो? निकलो निकलो। ये देखिए यार इसने से पकड़ा हुआ है साथ। यार इसका मुझे बहुत दुख हो रहा है, ये बहुत बड़े साइज़ की थी, किंग साइज़ बजी लगती थी ये बिल्कुल। क्या ही कह सकते हैं यार, अब मैं तो अच्छे से केयर कर रहा हूँ। अब एक काम करते हैं यार, इन सबको पकड़ कर ना सभी बजीज को पकड़ के ना मैं रखता हूँ इसमें, और ना पिंजरे को निकालते हैं बाहर और इनको धूप में रखते हैं, ताकि ये पूरा दिन धूप लगवाएं और अब इस पिंजरे में रहेंगे। अब सर्दी तो अभी यार अभी आना भी नहीं शुरू हुई, पता नहीं कब खत्म होगी, दोबारा कॉलोनी में कब शिफ्ट करेंगे, तो यार ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो गई है। तो चलें यार मैं काम करता हूँ, ये दाना निकालता हूँ अंदर से, इसमें डालता हूँ सारा, पानी भी निकाल लेता हूँ और सारे बजेज पकड़ के ना मैं इस पिंजरे में डालता हूँ। अभी पिंजरे में डालकर ना फिर आपसे मिलता हूँ, काफ़ी ही देर लगेगी इनको सबको पकड़ने में ना। तो मैंने सभी बजीज को ना निकाल लिया बाहर। अब एक काम करते हैं, इनको उठाकर ना यहाँ धूप में रख देता हूँ, यहाँ रखता हूँ ऊपर, इनको ना यहाँ काफ़ी अच्छा लगेगा। धूप तो अंदर भी लगती थी यार, असल मसला ना रात को होता है। हम आगे से कवर भी करते हैं लेकिन पता नहीं रात को इतनी ठंड तो होती भी नहीं है। चलिए ये देखें ना यहाँ पर ये एक्टिव लग रहे हैं कुछ। तो ये मेरे ख्याल से इस वक्त हमारे पास ना 23 बचे हैं। अब इनमें से 23 के 23 बच जाएँ तो यार बहुत अच्छा लगेगा, इसमें ना इनको अच्छा लगेगा, क्योंकि कॉलोनी बड़ी है ना, कॉलोनी में इनकी ठंड रुकती नहीं थी। तो आप दुआ करिएगा यार यहाँ पर बच जाएं ये। और मैं एक और काम कर लेता हूँ, अपने ना डब्स को भी आज उठाकर बाहर रखता हूँ, ताकि ये भी ना थोड़ी धूप लगवा लें। इनको भी बजेज के साथ ही रख देता हूँ मैं यहाँ पर। चलो भाई प्यारे लग रहे हैं यहाँ पड़े हुए ना, बस थोड़ी धूप लगवा लेंगे ना फिर हम इनको अंदर रख देंगे। और बजेज तो बेशक बाहर ही रहे, यहाँ पर ना इनको मैं यहाँ किसी केज के अंदर रख दूंगा पिंजरे से मेहती, क्योंकि यहाँ धूप रहती है आगे आगे ना पूरा दिन ही। एक काम करता हूँ कि ये दाना ना उठा लेता हूँ यहाँ से। हटो भाई बेटे हटो, ये वैसे भी ना खा लिया इन्होंने, ये बस इसका जो सब वेस्ट होता है ना वो बचा हुआ है। ये मैं डाल देता हूँ बाहर बर्ड्स को। हाँ भाई आओ रैबिट्स आओ, इसमें से खा लो जो बचा हुआ है। ये लो ये लो ये लो ये लो, ये अभी सब ना आकर यहाँ खाने लग जाएंगे।
ये देखें खाना शुरू हो गया ना वेस्ट। इनको अब यहाँ पर ना ताज़ा दाना डल जाएगा। यहाँ पर देखिए अच्छे लग रहे हैं, मैं अंदर स्टिक एक और लगा देता हूँ ताकि ये आराम से बैठ सके। यहाँ पर कलोनी में अच्छे लगते थे, आज़ादी इनको रास नहीं आई यार। यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा कलोनी से इनको निकाल करना। कलोनी के लिए हम लाए थे, कलोनी हमारी फिर खाली होगी। इस वक्त सिर्फ कलोनी में एक हमारे डव का जोड़ा रह गया है और साथ 5 बटेर रह गए हैं। देखिए यार कैसी हमारी कलोनी वीरान हो गई, देखें कैसे भरी हुई होती थी। लेकिन आप देखें, आप बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा यार, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आप लोग बताएं यार फिंचेस क्या वो भी ऐसी होती हैं, उनको ठंड वगैरह लगती है या वो अच्छे से सर्वाइव करती हैं? तो फिर हम ना वो लाकर छोड़ देंगे इसमें। मुझे क्या नज़र आया, वाह भाई वाह, ल्यूका कल यहाँ से सारा घूम कर आई है, अभी ये फिर रही है यहाँ पर। वाह भाई साहब, ल्यूका ल्यूका चले यार घूम कर आ ही जाएगी, बस इसका ध्यान रखना कि कहीं दूर ना चली जाए। पास पास फिरती रहे ना वो ठीक है, इसके लिए दूर जाएगी तो मसला बन सकता है। और इनकी तो यहाँ मुझे लग गई, देखें सब कैसे इसको पड़ गए दाने को, अंदर वेस्ट है ना, क्योंकि ये तोते चुबा कर छोड़ देते हैं तो जो उसका वेस्ट बचा हुआ है ना वो रैबिट्स बहुत शौक से खा रहे हैं, और हमारी ये मुर्गियाँ वगैरह भी, और इनको अभी पता नहीं चला वरना ये भी जाकर खा लेते वहाँ। देखिए सभी खाने पीने के लिए आ गए हैं, मैंने दाना रखा है ना यहाँ पर, तो यार इनके लिए धूप बेहतर है। तो यार इनको मैं समझ गया हूँ, ये ना धूप चाह रहे हैं कि इनको धूप लगती रहे, लेकिन अंदर यार धूप नीचे आती तो है। बस अब इसमें ठीक रहें यार, मसला वो ये यार रात का मसला बन रहा है, और रात को इसको हम अच्छे से कवर करके ना तो अंदर रखेंगे वहाँ ना, वो कमरा मतलब कि ठीक है गर्म रहता है, इतना ठंडा नहीं रहता वहाँ ना, अंदर पीछे करके रख देंगे इनका पिंजरा, क्योंकि यार आप भी समझते होंगे कि बड़ी जगह पर ना ठंड रोकना मुश्किल होता है। बाकी इसके अलावा यार ल्यूका कहाँ गई भाई, ल्यूका को मैंने देखा ही नहीं है, कहाँ गई, उस पर मैंने नज़र ही नहीं रखी हुई थी, वहाँ से नहीं मिल रही यार। मैंने कहा कि थोड़ा खेल कर आ जाएगी, कहाँ गई है, वो जा रही है, वो देखें वो इतनी दूर, भाई इससे दूर नहीं जाना ल्यूका, इसको लाना पड़ेगा, इसको लाना पड़ेगा, मैं लेकर आता हूँ, मैं आ गया, चल वापस वापस चल यार, इस तरह खुद ही वापस जाएगी ना तो इसको पता चल जाएगा कि वापस जाना है। चलो चलो देखते हैं घर जाती है कि नहीं, देखते हैं खुद ही घर जाती है कि नहीं, आगे तो इस तरफ ही है। ऊपर देख रही है, खुद ही आएगी, इंतजार करते हैं यार, किसी का घर है, इस तरह वहां नहीं जा सकता मैं। आ जाए यार, आ गाड़ी जाएगी, लेकिन यार मुझे डर है कि किसी आवारा बिल्ली के पीछे लाकर कहीं चली ना जाए, ये बस मसला है, बाकी और कोई मसला नहीं है। तो इसका मैं ध्यान रखूंगा, दूर नहीं जाने दूंगा, ये वापस आ ही जाएगी, इतना तो मुझे पता है यार, क्योंकि वहां से ना खुद ही भाग कर आई है, तो ये अच्छी बात है यार। A few minutes later, इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे, रुके इसको आराम से पकड़ूंगा, भागता हुआ इसकी तरफ गया ना तो ये भागेगी, फिर ये भागेगी, तो अब इस तरह मैं नहीं करने दूंगा इसे। ल्यूका ल्यूका पकड़ लिया, चल इधर आ मेरे साथ, बहुत तंग करती हो अब तुम यार, ऐसे दोस्ती नहीं चलेगी, पहले अच्छी लगती थी अब मुझे ना इस पर गुस्सा आने लगा है। चलो यहाँ ऊपर चलो, जंप कर जाओ वहाँ, चलो शुक्र है भाई ले आया। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि अहमद कहाँ है, यार अहमद अभी स्कूल गया हुआ है, अभी तकरीबन मेरे ख्याल से 9 से 10 बज रहे होंगे, तो आज ये सुबह सुबह ही मस्त हुई पड़ी है, अभी वहाँ जा रही है। चलो यार इस साइड भी चली जाओ, क्योंकि यहाँ से ना आगे बंद है, बस इस साइड भी जाती तो ये घर फ्लांग फ्लांग कर बहुत दूर जा सकती थी, अब यहाँ पर थोड़ा सा घूम कर आ जाएगी। लेकिन इसमें मसला बताया क्या होता है, मैं आपको ये बताता हूँ, मेरी तरफ से ये घूमने को कहीं भी घूम सकती है, मसला ये होता है कि मैं जब नीचे चला जाऊँ उसके बाद इसके साथ क्या हो, कहाँ जाए, कुछ पता नहीं होता, मैं कितनी ही देर इसके साथ ऊपर रुक सकता हूँ यार, घंटा आधा घंटा 2 घंटा, तो बस इस बात का मसला यार, बाकी ये कहीं भी घूम सकती है। तो हम अनकरीब यार हमारा चैनल मोनेटाइज होता है ना इंशाल्लाह, तो यार मैं अभी भी ला सकता हूँ, ये बात नहीं है, लेकिन चैनल मोनेटाइज होता है ना तो हम अपने ल्यूका को ना सरप्राइज़ देंगे, इसके साथ मेल भी लाएंगे, फिर ये शायद खुश रहे और हमारी छत पर रहे, या शायद फिर ये दोनों फिर भी निकल जाया करें, तो लेट्स सी यार क्या बनता है। ज़रा इनका भी मैं देख लेता हूँ, बहुत मज़े से बैठे होते हैं अंदर, ये नेस्टिंग मटीरियल रखा, अभी भी कोई अंडा वगैरह आया या नहीं, कोई नेस्ट वगैरह बनाना शुरू किया, नज़र तो कोई नहीं आ रहा। नहीं भाई ये कबूतरी, इसने देना था, इसने तो नहीं दिया हुआ, बैठी हुई है। नहीं भाई ये भी कुछ नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, वैसे नेस्ट तो बनाया हुआ इन्होंने, देखे ना गोल गोल करके वहाँ जगह तो इन्होंने बनाई हुई है। भाई बता दो कब दोगे, ये तो कम से कम बता दो। नहीं भाई कोई सीन ही नहीं है। चलें यार कोशिश करते हैं इनके साथ ना न्यू कबूतरियाँ लाकर छोड़ दें, क्योंकि ये एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, और ये आप देख रहे हैं दो ये हैं और एक ये है, ये तीनों ही मेल हैं। इन तीनों मेल्स के लिए भी ना फीमेल्स आते हैं, तो इनसे तो कोई उम्मीद नहीं रही भाई, ये पुरानी कबूतरियों से, नई कबूतरियाँ आएंगी वो शायद दे दें कोई अंडे प्यारे प्यारे से, या बच्चे प्यारे प्यारे निकालें, भाई आंखें तरस गई हैं बच्चे देखने के लिए कबूतरों के, डब्स के, और ऐसे रैबिट्स वगैरह के। रैबिट कहाँ गई, वो उसको भी पूछ लेते हैं यार।
इसको भी बच्चे देने चाहिए। कितनी देर और लगाओगी? हाँ भाई इधर आओ। रुको तो यार भाग गई। इसको पूछते हैं यार, पूछते हैं भाई कब बच्चे दोगी। इधर आओ इधर आओ इधर आओ। कुछ नहीं कहता मैं, कुछ नहीं कहता। इधर आओ, कब बच्चे दोगी? चलें देखते हैं हफ्ते के अंदर अंदर। उम्मीद है कि ये भी शायद डिलीवर कर दे बच्चे। बाकी कोई पता नहीं, इसे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, इसे कम भी लग सकता है। देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। ये देखें, ये फिर चलेगी ना यहाँ पर, ऐसे करती है ये। नीचे आओ, अब मेरे पास बाजरा है, मैं इसको बाजरा डाल दूँ थोड़ा। आ जा, देखें दांत देखकर आ गई। तेरा मैं इलाज करता हूँ यार। इसको मैं पर भी नहीं काट सकता क्योंकि ये कूड़ा खोने वाली मुर्गी है ना, तो यार ये परों के नीचे अंडे लेती हैं अपने, इसलिए इसको मैं पर भी नहीं काट सकता। ये मुसीबत है, क्या करूँ मैं तेरा। अब था यार यहाँ चलीजिए, यहाँ चलीजिए, इस साइड पे चलीजिए, मसला नहीं है। गई भी इस साइड पर है यार, यहाँ से इसकी वापसी भी मुमकिन नहीं है भाई। आगे से ही नीचे उतर गई ना, वो बहुत ही नीचे यार छत है, और इसकी अकल में भी बात नहीं पड़ेगी ये वहाँ भी उतर जाएगी। दाने की भूखी है बस ये। इसको ना मैं पकड़ के बंद ही करता हूँ अभी। चल अच्छी रही है। अब इसकी ना पानी में डुबकी लगवानी चाहिए ऐसे ही। मुझे आवाज़ आ गई, वरना मैं आ गया, अभी मैं नीचे जा रहा था, वरना ये चली जाती वहाँ। वो देखें वो बैठी हुई है। अब बंदा इससे पूछे कि तुम यार यहाँ पर भी तो कहीं बैठ सकती हो, लेकिन नहीं भाई, जहाँ उसका दिल करेगा वहीं बैठेगी। और यार हाँ, आज डक का अंडा देख लेते हैं। एक आया हुआ है, कल दो, ये दो कल के थे, ये वाइट वाइट जो ना, ये आज आया हुआ है। हाँ भाई ये लो खाना तुमने। तुम लोग भी बड़े हो, जल्दी से अंडे शुरू करो तुम लोग भी, फिर बहुत अच्छा लगेगा। हमारी ग्वीना फॉल भी अंडे देंगी यार। ये काफ़ी काफ़ी बड़ी हुई हैं, आपको याद होगा हम छोटी छोटी लाए थे, अब ये काफ़ी बड़ी हुई हैं। ये देखें, एक इससे भी बड़ी ये है, और एक चौथी कहाँ गई भाई? चौथी कहाँ गई? ये यही फिर रही हैं। हाँ सबसे बड़ी ना ये वाली मेरे ख्याल से, ये वाली। ये देखें यार, आपको याद होगा हम छोटे छोटे लाए थे, इतने इतने थे तकरीबन, और अब काफ़ी काफ़ी बड़े हुए हैं। काफ़ी अच्छा लगता है देखकर, क्योंकि ना छोटे छोटे जो बर्ड लाए ना, वो आपकी सेटअप पर बड़े हों, तो वो देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके अलावा यार मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, हमारी ये जो सी डक है ना, ये कल से कुछ खा पी नहीं रही। पता नहीं ये थोड़ी बीमार है या सुस्त है क्या है, लेकिन डक्स का क्या होता है, डक्स ये खुद ब खुद सही हो जाती हैं, इनको दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगी। बाकी यार पैरेट्स वगैरह की परेशानी बहुत ज़्यादा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है यार कि मैं अच्छे से केयर कर रहा हूँ लेकिन फिर भी ये बीमार हो रहे हैं। और आपका एक्सपीरियंस है तो आप लाजमी बताइएगा कि क्या ऐसा मैं इनको दूँ यार, जिससे ये अच्छे से सर्वाइव कर सके सर्दियों में। और मैं यार बल्ब का कोई इंतज़ाम करता हूँ यहाँ पर, देखता हूँ अगर मेरे से पॉसिबल हो पाता है तो मैं बल्ब लगा लेता हूँ अपनी कॉलोनी के अंदर, तो फिर तो ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छे से रहेंगे। तो इस ब्लॉग को फिर करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको आज का ब्लॉग आया हो पसंद तो इसे लाइक करें, और हमारे चैनल मिनी पेट हाउस ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।